अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस, वेलकम टू पार्ट फोर ऑफ आर बुक रिव्यू ऑन द पावर ऑफ ज्योग्राफी बाय टिम मार्शल। पिछले तीन पार्ट्स उम्मीद है आपने देख लिए होंगे, अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई के बटन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे, तो उधर से देख लें। बाकी आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जनाब यूरोप के कौन से कंट्रीज़ हैं जिनको टिम मार्शल कहता है कि वो क्रिटिकल होंगे इन डिफाइनिंग द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट और ऑफ देयर ओन कॉन्टीनेंट या रीजन। तो यूरोप में अगर आप बात करते हैं तो तीन कंट्रीज़ की वो मेजर बात करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। तो यूके की एक बहुत ज़्यादा रेलिवेंस इसलिए है कि वर्ल्ड वॉर वन की, तो वर्ल्ड वॉर वन से पहले जो है सुप्रीम पावर जो कंसिडर की जाती थी वो यूके थी, ठीक है, ड्यू टू इट्स नेवल पावर और इकोनॉमिक माइट भी थी उसकी। तो रिजल्ट वॉज दैट यूके वॉज कंसिडर्ड दी मोस्ट रेलिवेंट स्टेट एट दैट टाइम, और अभी भी है। ऐसा नहीं है कि यूके हैज़ बिकम इरेलिवेंट, अभी भी वो सिक्स बिगेस्ट इकॉनमी है। और फ्यूचर के बारे में टिम मार्शल कहता है कि जनाब चूँकि इस स्टेट का बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल रोल भी रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, तो आगे भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होगा डिप्लोमेसी में भी और बाकी सारी चीज़ों में भी। और इसका ये भी इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं कि जनाब यूके जो है इट इज़ ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट या मेनलैंड यूरोप से बाहर है। रिज़ल्ट इज़ के अगर कोई नेचुरल अपहीवल आता है या कोई कैलेमिटी है जो कि कॉन्टीनेंटल यूरोप को हिट करती है, फॉर एग्जांपल जो वर्ल्ड वॉर वन थी वो ज़्यादातर कॉन्टीनेंटल यूरोप पे थी, बाद में फिर यूके भी आया सारा कुछ। तो यूके ये बात है कि जब मेनलैंड के ऊपर कैलेमिटी आएगी या इश्यूज होंगे तो यूके विल स्टे अलूफ, या फिर वो उससे बच सकेगा, या वो अपनी एक अलहदा से स्ट्रेटजी बना सकता है, मे बी इट विल नॉट बी इम्पेक्टेड इन द सेम वे। सो दैट इज़ वाई यूके विल बी वेरी क्रिटिकल इन द फ्यूचर, स्पेशली विज अवी द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक हो गया जी। और यूके की जो पॉलिसी है या स्ट्रेटजी है वो है अलायंस विद द लिबरल गवर्नमेंट्स, जो कि नॉन कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखें, ट्रेड रिलेशंस रखें, और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को सपोर्ट किया जाता है। अब आप देखते हैं जनाब के लिज ट्रस्ट जो है वो यूके की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, तो वो मज़ीद लिबरलाइजेशन या नियो लिबरलिज्म की जो पॉलिसी है वो उनकी उन्होंने अपनाई हुई है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट स्टेट जो इसके बारे में यूरोप के बारे में क्रिटिकल है वो है ग्रीस, यानी यूनान। ग्रीस इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि ग्रीस जो है इस वक्त मसाइल का शिकार है, थोड़े बहुत जो टेंशन्स हैं। आप देखते हैं कि बाकी यूरोपियन स्टेट्स जो हैं दे आर लार्जली पीसफुल या उनके दूसरे कोई ना कोई मसाइल हैं, बट ग्रीस एक ऐसी स्टेट है कि जिसका डायरेक्टली जो है मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी होने को जा रही थी पिछले साल की, अगर आप बात करते हैं, ठीक है, वो टर्की के साथ होने जा रही थी। बेसिकली ये मेडिटेरेनियन की गेम है सारी, कि मेडिटेरेनियन के आइलैंड्स पे या उसके नेचुरल रिसोर्सेज पे किसका कब्ज़ा है, कौन इनको कंट्रोल करेगा, कौन इनको एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से ग्रीस के मसाइल टर्की के साथ चल रहे हैं, और इसी वजह से टर्की और ग्रीस को टिम मार्शल कहता है कि इन स्टेट्स का जो रवैया है या इन स्टेट्स के जो फ्यूचर में पॉलिसीज़ हैं दे विल डिफाइन कि यूरोप कैसे चलेगा या ये कॉन्टीनेंट कैसे चलेगा, मेनलैंड यूरोप कैसे चलेगा। ठीक है जी। तो ग्रीस को जनाब थ्रेट ऑफ टर्किश इंक्रोचमेंट ओवर मेडिटेरेनियन है सी एक्सप्लोरेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी स्ट्रेटजी क्या है जनाब, बिल्ड नेवल कैपेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग सबमरीन्स। वो नेवल कैपेबिलिटीज़ अपनी बना रहा है ग्रीस, और सबमरीन्स भी खरीद रहा है। फ्रांस के साथ भी अलायंस है ग्रीस की, सो यू कैन से कि ग्रीस जो है वो अपने डिफेंसिस जो है इट विल बिल्ड अप द डिफेंसिस। ठीक है जी। प्रॉस्पेक्ट जो नज़र आ रहा है, जो एक प्रोबेबिलिटी है, वो ये है कि अगर टर्की आहिस्ता आहिस्ता दूर होता होता नेटो से बाहर निकल जाता है तो देर विल बी एन एम्प्टी स्पेस फॉर ग्रीस टू कम इन, क्योंकि ग्रीस जो है वो अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ टर्की है, और टर्की की जो पॉलिसीज़ हैं या एक्सपेंशन आप कह लें या फिर थोड़ी सी एग्रेशन जो दिखाता है टर्की कभी कभी, तो वो नेटो वालों को पसंद नहीं आ रही। तो अगर टर्की उससे बाहर निकलता है तो दे विल हैप्पीली वेलकम ग्रीस एज द न्यू पार्टनर इन नेटो। ठीक है जी। फिर आता है जी टर्की, यूरोपियन जो लास्ट कंट्री टिम मार्शल मेंशन करता है वो है टर्की, या जिसका नाम अब टर्की है शायद रख दिया है अर्दोगान साहब ने। तो उसका मेन जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है या जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो है नियो ऑटोमनाइजेशन अंडर अर्दोगान,
ऑटोमनाइजेशन, न्यू ऑटोमनाइजेशन मतलब के नए दौर में सल्तनत उस्मानिया जैसी ग्लोरी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और अर्दोगान साहब, आपको पता है कि पहले जो है टर्की बहुत ज़्यादा सेकुलर था या एंटी रिलीजियस था, कि जनाब रिलीजन का स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा रोल नहीं होना चाहिए या लोगों को इससे थोड़ा सा अलूफ रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्दोगान साहब के आने के बाद या उनकी पार्टी जो है आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाइजेशन हुई है और इसकी तरफ कदम बढ़ रहे हैं, और उन्होंने मिलिट्री के लॉज भी चेंज कर दिए हैं। अब मिलिट्री काफ़ी जो है वो इन चेक है, और जो डेमोक्रेटिक सेटअप है या फिर जो अर्दोगान साहब की पार्टी है दैट इज़ इन पावर, और मे बी देर इज़ अ चांस कि आहिस्ता आहिस्ता वो ऑटोमन ग्लोरी को रीगेन करने की कोशिश करें। ठीक है जी। और कंसर्न जो है ये यूएसए और ग्रीस के लिए बन चुका है, टर्की का जो राइज़ है या फिर जो है रिसर्जेंस है, ये कह सकते हैं आप। और जो टर्किश इंटरेस्ट की अगर आप बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द ब्लैक सी एंड द मेडिटेरेनियन सी। ब्लैक सी में भी हमने पिछले साल खबर सुनी थी कि जनाब काफ़ी सारे बिलियंस ऑफ या मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल निकालने की पेशगोई कर दी है टर्किश अथॉरिटीज़ ने कि जनाब यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल पड़ा हुआ है और हम इसको निकाल लेंगे, ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। सिमिलरली मेडिटेरेनियन जो है उस पर चूँकि वो एक थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रीजन है, या यूँ कह लें कि उसके ऊपर क्लैशेस हो रहे हैं ग्रीस में भी और टर्की में भी, और टर्की ने अगर आपने खबरें सुनी हुई हैं तो लीबिया के साथ भी डील की थी और उन्होंने एक कट ऑफ जोन बना लिया था अपने दरमियान में। ठीक है जी। तो वो भी एक बड़ी मज़े की डेवलपमेंट थी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो टर्किश जो गोल्स हैं वो यही हैं कि ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट की जा सके। ठीक हो गया जी। और इसी लिहाज से एक और जो अहम चीज़ है, शायद वो इसमें नहीं लिखी हुई लेकिन ट्रीटी ऑफ लुजैन 1923 की है, और उसमें बेसिकली टर्की ने जनाब या फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो हैं उन्होंने टर्की के कुछ लैंड्स जो हैं वो सीड कर दिए थे दूसरी स्टेट्स को, वो नई स्टेट्स भी बन गई थी। ऑटोमन एम्पायर जब टूटी थी तो सीरिया बन गया, कुछ इलाका जनाब अफ्रीका में दे दिया गया, कुछ इधर आई गेस पैलेस्टाइन वगैरह वाला इलाका भी इसी में आता था। तो ट्रीटी ऑफ लुजैन जो है वो 99 इयर्स या आई थिंक 100 इयर्स के लिए एप्लीकेबल थी। तो 2023 में जनाब वो जब एंड होने जा रही है तो उसके बाद क्या करेगा टर्की, टर्की क्या एक्सप्लोरेशन या एक्सपेंशन करना शुरू कर देता है, या टर्की जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, या टर्की जो है वेदर इट स्टार्ट्स बुलिंग और नॉट, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो इस लिहाज से भी टर्की बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी, क्योंकि ये दोनों कॉन्टिनेंट्स का हिस्सा है, यूरोप का भी और क्या उसको यूरोप का भी और एशिया का भी, बल्कि इसके जो ट्रीटी अब ख़त्म होने जा रही है या एक्सपायर होने जा रही है उसके बाद भी देखना पड़ेगा कि टर्की क्या करता है। तो इस लिहाज से भी टिम मार्शल ने कहा है कि जनाब टर्की, ग्रीस और यूके जो हैं इनके बिहेवियर्स या इनकी पॉलिसीज दे विल हाईली इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ आवर वर्ल्ड इन द तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।